हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजा मोनिटर चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एंड्रॉइड मोबाइल के एक खास और सीक्रेट सेटिंग के बारे में। अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो दोस्तों लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने ये सेटिंग कैसे किया। तो दोस्तों जानेंगे हम आज इस वीडियो में इसी खुफिया और सीक्रेट सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि आप जहाँ पर नेविगेशन बार है वहाँ पर आपको मेरा नाम शो हो रहा होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप यहां पर अपना नाम कैसे लिख सकते हैं और यहां पर अपना नाम लिखकर किसी को भी चौंका सकते हैं। तो दोस्तों अपना नाम आपको यहां पर नेविगेशन बार पर लिखने के लिए आपको एक प्ले स्टोर से एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जिस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका रेटिंग बहुत अच्छा है, डाउनलोड भी 1 मिलियन है, 10 लाख लोग इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। दोस्तों आप जैसे यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देंगे, इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको दो परमिशन अलाउ करना होगा। सबसे पहले हम इसको परमिशन को अलाउ कर लेंगे, अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स पर। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम इसको भी स्टोरेज परमिशन दे देंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये कुछ और परमिशन मांगेगा, हम अलाउ करेंगे। और दोस्तों कुछ इस तरीके का इस ऐप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेविगेशन बार में अपना नाम लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 लाइन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। और दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप टेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर टेक्स्ट नोट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी नाम आप अपने नेविगेशन बार पर रखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ से आपको टाइप कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर लूंगा और यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ऐड करेंगे और क्लोज पर क्लिक कर देंगे, ये नाम आपका आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप टेक्स्ट का एनिमेशन स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको ऑन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ऑन पर क्लिक कर देंगे आपको नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एनिमेशन स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देना है। और दोस्तों यहाँ पर स्लाइड ड्यूरेशन आपको इस तरीके का कर देना है। आपको यहाँ पर टेक्स्ट के साइज को एडजस्ट कर लेना है, कितना साइज में आपको अच्छा लगेगा आप यहाँ से इसको छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको एनिमेशन चूज कर लेना है। नीचे का बहुत सारा जो है पेड वर्जन है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा इफेक्ट ऊपर से नीचे आते हुए। या फिर फ्लैश करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके का ब्लिंक होगा, और पल्स करेंगे तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों रबर बैंड भी आप कर सकते हैं, इस तरीके का आपको यहाँ पर अपना नाम देखने को मिलेगा। हम पल्स पर क्लिक करेंगे और दोस्तों यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट साइज, यहाँ पर आप टेक्स्ट का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसे थोड़ा सा इधर करेंगे, नेम आपका कुछ इस तरीके का इस साइड में आ जाएगा, थोड़ा इधर करेंगे तो और इधर आ जाएगा। और यहाँ पर चाहे तो आप इधर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर बीच में रखेंगे दोस्तों, ये पूरा बीच में एडजस्ट हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट पोजीशन भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ऊपर या फिर नीचे। तो दोस्तों इस तरीके का ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके का आप जो भी आपको जितना में अच्छा लगे आप यहाँ से एडजस्ट कीजिए। और यहाँ पर ऑन करके, यहाँ से अगर आपका सेटिंग ऑफ हो तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपका नाम यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। आप होम स्क्रीन पर भी चले जाएंगे तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर शो होता रहेगा। अगर आप फाइल मैनेजर में भी अगर जाते हैं तो यहाँ पर भी आपका नाम शो होगा। और दोस्तों इस तरीके से आप किसी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से चौंका सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर अपना नाम को लिख सकते हैं, जिसको देखकर यहाँ पर आपका दोस्त या फिर कोई भी चौंक जाएगा कि आपने ये यहाँ पर अपना नाम कैसे लिखा है, वो आपसे जरूर पूछेगा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जो मैंने स्टेप बताया उसको फॉलो करके यहाँ पर आप अपना नाम लिख पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। मैं इस चैनल पर रोजाना एंड्रॉइड एप्लीकेशन से रिलेटेड, एंड्रॉइड टिप्स, एंड्रॉइड सेटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।